महिलाओं के स्तन कैंसर का शुरुआती समय में ही पता लगाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक से लैस थर्मल सेंसर डिवाइस स्थापित की गई है। डिवाइस के स्थापित होने के बाद महिलाओं को स्तन कैंसर जांच के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिसकी विधायक जय कुमार सैनी ने अपनी विधायक निधि से डिवाइस खरीद के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस मशीन के लग जाने से महिलाओं को स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था का आसानी से पता लग जा सकेगा। ये एआई तकनीक के द्वारा बनाई हुई मशीन, इस मशीन में प्रारंभिक तौर पर जो ब्रेस्ट कैंसर की जांच की प्रक्रिया थी वो इतनी जटिल थी, उसके कारण महिलाएं जांच नहीं कराती थी, जिसके कारण जब वो बीमारी गंभीर रूप ले लेती थी तब वो जांच होती थी। तो उसको उस दशा से न गुजरना पड़े उसके लिए प्रारंभिक जांच इस मशीन से होगी। अगर वो बीमारी के लक्षण जरा भी दिखेंगे तो उसकी जांचें करा करके बाकी डॉक्टर लोगों का जो परामर्श होगा उसके अनुसार उसका इलाज संभव हो सकेगा। ब्रेस्ट में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटी गांठ या लंप या और थोड़ी बहुत इन्फेक्शन की बात होती है वो आप आराम से छू के भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल कैंसर या ट्यूमर ऐसा होता है जिसमें आपको बिना मैमोग्राफी किए हुए, जो कि एक क्लिष्ट प्रक्रिया है और यहाँ पर संभव नहीं, ये बहुत अर्लियर स्टेज में ही हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई आगे कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। इसलिए यह टेक्निक अपने आप में एक अनूठी चीज है